दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय बिग हट्टी सुपर मॉल ज्वाली। यहां पर रोजमर्रा प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं ब्रांडेड क्वालिटी में MRP से नीचे उपलब्ध है। शिमला के पुराने बस स्टैंड में टैक्सी स्टैंड वालों द्वारा 2 फरवरी की रात मारपीट करने के बाद एक व्यक्ति की हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया है। मृतक व परिजनों ने इस मामले को रेलवे पुलिस द्वारा दबाने का आरोप लगाया है। मृतक टेकचंद के परिजनों ने रेलवे पुलिस के खिलाफ आज नारेबाजी की, जिस पर रेलवे पुलिस हरकत में आई और मीडिया के सामने एक टैक्सी ऑपरेटर को गिरफ्तार किया, जबकि 2 नामजद अभी फरार हैं। आपको बता दें कि बस स्टैंड में मारपीट के बाद रेल ट्रैक पर युवक को फेंका गया था। अन्य टैक्सी वालों की भी मारपीट में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच में जुटी है। इसमें सब इंस्पेक्टर राजकुमार जो है कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, इनको डेली बेसिस पे जो भी हत्या सामने आए हैं उनकी ये जांच कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ इनका मतलब कहना था कि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, CCTV फुटेज की कुछ थोड़ी क्लिप ली है, उसमें इनके जो फोटो है वो क्लियर नहीं है। इसके बारे में राजकुमार को भेजा गया था, उसने जो है RM दिल्ली उनसे फोटो के इसके बारे में क्लिप के बारे में परमिशन ले लिए, तो इन्होंने ले लिए। और रही बात दूसरी की, जो गवाह था जो अपने आप को बता रहा था कि भी मैं ऐसे से था, उसने उन आदमी के बारे में क्लियर नहीं किया था, ना ही उन्होंने प्रॉपर नाम बताया था। नहीं, नहीं, और वो कहीं भी नहीं बताया था। और रही बात तीसरी बात ऐसी है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से हो रही है, पोस्टमार्टम हुआ है, बिसरा प्रिजर्व किया है और मौके की जो भी कार्रवाई है वो प्रॉपर हुई है, और बाकी जो भी है जो डाउटफुल आएगा तो उसमें हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे और मुजरिम को अरेस्ट करेंगे। जो इन्होंने नाम बताए थे उनपे भी हमने जाके उनसे भी पूछताछ की है, जिनके नाम इन पे शक था उन जिस पे था टैक्सी वालों को, टैक्सी यूनियन के प्रधान प्लस उसके जो और आदमी थे। मगर एक चीज वो उस दिन ये थी कि जो वहां पे साथ ही पुलिस चौकी भी है, तो पुलिस वालों ने ही हमें इंटीमेशन दी थी। तो जब हम गए तो ये हमारी टीम गई थी तो वहां पे टैक्सी वाला कोई भी नहीं था, ना ही कोई इर्द गिर्द कोई आदमी था। तो ये है कि जैसे जैसे कोई एविडेंस आ रही है उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर कंप्लेंट क्लियर करता है जो बताते हैं वो ऐसी बात है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जो एज पर लॉ बनेगा उसको हम कार्रवाई करेंगे। अभी तो फिलहाल जो है मतलब अभी तक तो है 174 में कार्रवाई हो रही थी, तो जैसी एविडेंस आएगी, एविडेंस आती है तो उसमें जैसे सेक्शन मामला पाया जाएगा वैसे उसी सेक्शन में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।